गुरिंद्रपाल सिंह गोरा मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रतन सिंह जफरवाल सबका धर्म प्रचार कमेटी मैंबर और सरचान सिंह के श्री अकाल तख्त साहब के सामने खड़े हो तुहानू तिना इस गल का इलम है कि सुचा सिंह लंगा खालसा पंथ वालों छेकिया गया ये बावजूद तुसी उहदे नाल मिलवर्तन किया कि तुहाडी इह गलती नहीं है। माइक दिता जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्कुल गलती है। जे अज तनखा जी है वह लवाने तो बाद पूरी करन तो बाद फिर तुसी लंगाह दे नाल किते उठे बैठे नजर आ गए तो फिर जवाबदेही की होगी? साड़ी होगी जी अकाल तख्त साहब नूं समर्पित है। की यह परण करते हो कि अगां तो उहदे नाल मिलवर्तन जिहड़ा नहीं रखोगे? नहीं रखांगे। वक्रे वक्रे तिने दसो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी जिंदगी अकाल तख्त साहब समर्पित रहे हैं। हुण भी गाड़ी जे साड़ी कोई गलती है श्री अकाल तख्त साहब गुरु पंथ सानू माफ कर दे। अभी दोवें हाथ जोड़ के अपनी गलती की माफी मांगते हैं। जे गलती नहीं है गलती है। गलती जी गलती गलती। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहिबान का जो फैसला होगा दास मंजूर होगा। दास की गलती क्षमा याचना से अपील कर रही है। तुसी एक सहज पाठ आप करना या पाठी सिंह तो करा मंजूर है? बिल्कुल। सारा सुनना है जो पाठी सिंह तो प्रारंभ कराया सारा सुनना है। पांच दिन तुसी स्थानक गुरद्वारा साहब जिहड़ा तुहाडे नज़दीक है उत्थे एक घंटा सेवा करनी है। मंजूर है? ठीक है। तो दो दिन इत्थे दरबार साहब एक घंटा सेवा करनी है कीर्तन सुनना लंगर दे विच बर्तन मांजने मंजूर है? ठीक है। बैठो। तो जदों ये सेवा पूरी हो जाए उस तो बाद 1100 रुपया कड़ा प्रसाद अकाल तख्त साहब से जिहड़ा है वह दे करवानी ते 1100 ही जिहड़ा वह गोलक च पाओ। मंजूर है? बैठ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगत को यह भी विदित किया जाता है कि जो गुरिंद्रपाल सिंह गोरा मैंबर श्रोमणी कमेटी रतन सिंह जफरवाल सरचान सिंह पंच सिंह साहिबान के वलों तनखा लगाई गई है जब तक ये अपनी तनखा पूरी करके खिमा याचना की अरदास नहीं कर लेंगे उन्ना चिर कोई भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विचों या संगत विचों इन्हों किसी प्रकार का कोई सहयोग ना करे। जेकर कोई इन्हों अरदास करन तक सहयोग करेगा तो वो खिलाफ़ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।